जय हिंद सर। यही वो लड़का जो सुनार की दुकान पर काम करता है। उस लड़की को पहचान सकते हो तो तुम्हारी दुकान पे मालकिन बनने का नाटक कर रही थी। हाँ हाँ हुकुम, पहचान लूंगा। क्यों बैठने दिया उसको अपने गले पे? उन्होंने मुझे 2,000 रुपए दिए थे और मुझसे बोला था कि कोई नाटक में हिस्सा लेना होना है, उसकी तैयारी करनी है। इसके लिए हुलिया कैसा था उसका? उनकी कदकाठी छोटी सी थी, मतलब बड़ी नहीं थी, इतनी लगभग होगी। और उनके बाल लंबे थे और आंखें बड़ी बड़ी थी। हुकुम, ध्रुव जैसा हुलिया ये बता रहा है बिल्कुल वैसा ही हुलिया वो रोज़वेक होटल के मैनेजर ने भी बताया था ना। यस सर। एक काम करो, इसे थाने उठा कर लेकर जाओ, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उनको बोलो स्केच बनाए। उस लड़की को तो मैं अरेस्ट कर ही रहूंगा। और हाँ, एक लिस्ट भेजी है मैंने तुम्हें तुम्हारे फोन पर। हुकुम। हाँ क्या हुआ? हुकुम, वो लड़की क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। सॉरी। रूम लेकर जाओ, स्केच बनवाओ। आखिर है कौन ये सर जी? तुमसे पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ भी पता ना चल पा रहा। अब क्या करूँ? अब सुनिए, जब तक ये केस ठंडा नहीं हो जाता तुम मुझे अपनी लोकेशन अपडेट करते रहना। टेंशन क्यों ले रहा है प्रिंसिपल? यहीं हूँ, सारे शिक्षा के मंदिर में। अपनी पुरानी मंगेतर पे नजर रखा हूँ, बस 2 मिनट और रहूं। फिर ऐसा कारनामा करूंगा कि इस बुलबुल का राम नाम सत्य होगा।